जैसे कटरीना कैफ और रणबीर कपूर सबको पता है कि वो एक साथ हैं, तो ऑन स्क्रीन जब कोई उनकी मूवी आएगी तो प्रमोट करने के लिए कोई मिस्ट्री ही नहीं रह जाएगी, कोई फ्रेशनेस, कोई यूनिकनेस ही नहीं रह जाती है. सो आई थिंक दैट्स द रीजन प्रोड्यूसर्स आर रिलक्टेंट टू साइन रणबीर कपूर एंड कटरीना कैफ टुगेदर. इंटरेस्टिंगली जब दीपिका और रणबीर कपूर एक साथ थे तो तब उन्हें कोई भी नहीं साइन करता था. After they broke up and they were with other people in their real life, people wanted to sign them and the movies really became a hit. Sirf Anushka hi kyun, hamari kafi heroines cricketers se fascinate hoti hain. Hamare jo heroes the wo good looking to hote the lekin unki tond bhi saath mein aati thi. Cricketers ki body fit hoti hai. प्रियंका, रणबीर, दीपिका जैसे सुपरस्टार्स क्यों करते हैं छुपकर प्यार? क्या इसमें है प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का बड़ा हाथ जो करते हैं इन स्टार्स की रिलेशनशिप को जबरदस्त कंट्रोल? क्यों है बॉलीवुड गॉडफादर्स का स्टार्स के प्यार पर ऐसा सख्त होल्ड? लेट्स स्टार्ट पेज 3 ऑन दिस नोट. बॉलीवुड में स्टार्स को प्यार तो होता है, लेकिन उनके प्यार की लगाम शायद होती है किसी और के हाथों में. स्टार्स के रिलेशनशिप पर दबाव होता है उनके करियर का, पर अगर एक स्टार को दूसरे के साथ प्यार है तो फिर उनके प्रोफेशन पर कैसे होता है असर? क्या रिलेशनशिप को एडमिट करने वाले स्टार कपल्स को प्रोड्यूसर्स एक साथ फिल्म में कास्ट करने से कतराते हैं? अक्सर रियल लाइफ लवर्स जब रियल लाइफ में एक साथ नजर आते हैं तो ऑडियंस उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर कुछ ज्यादा ही जजमेंटल हो जाती है. करीना और शाहिद कपूर, सैफ एंड करीना, प्रियंका चोपड़ा एंड हरमन बावेजा, या प्रियंका एंड शाहिद कपूर जब एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप थे तभी इन कपल्स की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों को लगी ठंडी. कभी हॉट जोड़ी बनाने वाले जॉन और बिपाशा ने भी जब अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली डिक्लेयर किया तो उसके बाद उन दोनों की एक साथ की हुई कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई. करीना और सैफ की टशन और कुर्बान भी बुरी तरह से पिट गई थी. ऐसे में शायद ही कोई प्रोड्यूसर रियल लाइफ कपल को अपनी फिल्म में कास्ट करने का रिस्क उठाना चाहेंगे, और हो सकता है कि इसी वजह से स्टार्स रिलेशनशिप में होने के बावजूद खुद को सिंगल ही बताते हैं. दीपिका रणवीर सिंह या कटरीना और रणबीर कपूर साथ में नजर आते हैं जरूर, लेकिन अपने प्यार को एडमिट करने से रहते हैं दूर. वैसे स्टार कपल्स को साथ में एंडोर्समेंट डील्स जरूर मिलती हैं, लेकिन अगर लवर्स में ब्रेकअप हो गया तो उनके हाथ से एड डील्स निकल जाती हैं. यानी रिलेशनशिप में जब तक हो तब होता है फिल्म्स पर बुरा असर, और अगर ब्रेकअप हो गया तो एड डील्स हाथ से जाती है निकल. अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जूम. क्या स्टार्स के प्यार पर चल सकता है उनके प्रोड्यूसर्स और करियर का जोर? इसका सही जवाब अगर कोई दे सकती हैं तो वो हैं सिमी चंदोक, आवर बॉलीवुड इनसाइडर एंड पेज 3 एक्सपर्ट. वेलकम टू पेज 3. हाय मेगा. हाय. रियल लाइफ जोड़ियां ऑन स्क्रीन पॉपुलर क्यों नहीं हो पाती हैं? क्या प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन्हें साइन करने में हेजिटेट करते हैं? आई वुड इमेजिन यस, थोड़ी सी झिझक तो आ ही जाती है. एंड द रीज़न ऑफ स्क्रीन पेयर्स जो हमारे स्टार्स के हैं वो ऑन स्क्रीन पर इतने पॉपुलर नहीं होते हैं बिकॉज एक तो वो एज अ कपल टुगेदर इन रियल लाइफ इतने ज़्यादा स्प्लैश हो चुके होते हैं, इतने ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो चुके होते हैं कि दे लूज द यूनिकनेस एंड फ्रेशनेस एज अ पेयर. एंड आपको तो पता ही है कि आजकल जब मूवीज़ आती हैं तो कितना कुछ जाता है वहाँ पर, कितनी न्यूज़ फैब्रिकेट होती है, कितनी न्यूज़ मैन्युफैक्चर होती है. क्यूरोसिटी के लिए कई बार ये लोग रूमर भी फैला देते हैं मीडिया में, फिल्म मेकर्स खुद या स्टार्स के जो पब्लिसिस्ट हैं वो खुद ऐसे रूमर्स फैला देते हैं विच आर कम्प्लीटली planned and plotted ki this heroine may be dating this particular hero just because they're doing a movie together. Aur aksar dekha jata hai ki aisi afwahein sirf movie ke promotion ke time pe hi aati hain, and uske baad the link up might just die a very sudden death, but for the time of the promotion kisi na kisi ke affair ka kuch nikalta hi hai. To jab ek off screen pair, you know, a hero and heroine are dating each other, ek steadiness jo aa jati hai unki relationship mein, तो
इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं रहती है कि पब्लिसिस्ट या जो मूवी को प्रमोट करने वाले हैं वो ये अफवाहें फैला सकें कि यू नो दे आर हैविंग एन अफेयर, दे आर इन अ रिलेशनशिप. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कटरीना के ऊपर अभी रणबीर कपूर की इतनी ज़बरदस्त स्टैम्प लग चुकी है कि कोई मूवी प्रमोट करने के लिए अगर ऐसे रूमर फैलाने भी कोशिश करे दैट देयर इज समथिंग ऑन विद हर हीरो यू नो ऑफ अ मूवी दैट्स अबाउट टू बी रिलीज, कोई मानेगा ही नहीं बिकॉज everybody knows that she and Ranbir Kapoor are together. तो क्या यही वजह है कि रणबीर एंड कटरीना एंड दीपिका एंड रणवीर सिंह keep their relationship a secret? Perhaps दीपिका एंड रणवीर सिंह आर न्यू इन द रिलेशनशिप, दे अनश्योर. शायद दीपिका अपने करियर पे फोकस करना चाहती हैं, शायद उनकी प्रायोरिटी उनका करियर है और उनकी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं. एंड समटाइम्स यू वॉन्ट टू गिव ईच अदर सम टाइम. जहाँ तक रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का सवाल है, ऑलरेडी कटरीना के वेलविशर्स ने तो इतना ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर दिया था इस मामले को कि लगता था कि पूरा फोकस रणबीर कपूर के करियर को छोड़कर उनकी पर्सनल लाइफ पर जा रहा था. तो परहैप्स रणबीर और parents have realized that the focus was too much on his personal life and he's a very good actor, to shayad unki jo professional achievements hain un par zyada dhyan aana chahiye. Ranbir shayad apni galtiyon se seekh rahe hain ki Katrina ko thoda sa backdrop mein rakhein aur apne career ko aage rakhein to shayad unke career ke liye acha hoga. तो क्या इस बात का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इनके करियर पर? वेल आई थिंक कटरीना इज़ अ स्टैंडिंग एग्जाम्पल फॉर यू. अगर आप कटरीना कैफ के करियर को देखते हैं, जब से फोकस पूरा उनकी पर्सनल लाइफ पर गया है तो शी हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट्स, यानी कि जो एड्स हैं, कमर्शियल्स हैं, कटरीना कैफ के पास काफ़ी सारी थी. पर आहिस्ता आहिस्ता मूवीज़ भी कम होती गई हैं एंड जो एंडोर्समेंट्स हैं उसके लिए भी जो एडवर्टाइजर्स हैं वो डर जाते हैं. उन्हें लगता है कि शायद हीरोइन ने शादी कर ली एंड इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट. समटाइम्स दे वॉन्ट अ हॉट सिंगल लुकिंग गर्ल फॉर दैट प्रोडक्ट, तो फिर कटरीना की वो इमेज बदल जाएगी एंड ऑडियंस भी, टारगेट ऑडियंस भी बदल जाता है विद द मैरिड हीरोइन. सो जब से ऐसे रूमर्स आए हैं तब से हमने कटरीना को कितनी मूवीज में देखा है, उनकी एड्स भी उनके राइवल्स के पास जा रही हैं एंड मूवीज तो हमें कम ही दिखी हैं उनकी. अब ये कटरीना का डिसीजन था या प्रोड्यूसर्स का, वो हमें नहीं पता. ऑल्सो अगर आप देखते हैं तो जब रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक साथ थे उन्हें तब मूवीज नहीं मिलती थी एंड जैसे ही उनका ब्रेकअप हुआ उन्हें मूवीज मिलनी चालू हो गई. यू सी, बिकॉज एक मिस्ट्री सी आ जाती है. तो जब अब हम रणबीर कपूर की और दीपिका की मूवी देखते हैं, वो एक दूसरे को किस करते हैं या वो उस पिक्चर में रोमांस करते हैं, तो नेचुरल है कि स्पेकुलेशन होगी कि ओ इज गोइंग टू बी विद दीपिका अगेन, आर दे गोइंग टू गेट बैक टुगेदर. एक तो ये क्यूरियोसिटी आ जाती है जिससे मूवी को फायदा होता है. एंड व्हेन दे वर टुगेदर नोबडी वांटेड टू साइन देम. कोई अनरिटन रूल तो जैसे चलता है एंड टू बी ऑनेस्ट इट डज वर्क. बट इज इट जस्टिफाइड फॉर आवर स्टार्स? व्हाई नॉट? जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, वो यहाँ पर सोशल वर्क तो करने आए नहीं हैं. वो अपने करोड़ों लगा रहे हैं फिल्म को हिट बनाने के लिए. तो अगर फिल्म मेकर्स को लगता है कि इन्हें साइन करने से हमारी मूवी को नुकसान हो सकता है, सो आई थिंक दे हैव एवरी राइट टू टेक द डिसीजन. इट्स एब्सोल्युटली जस्टिफाइड. एंड यहाँ पर मत भूलिए, व्हेन जब कोई भी एक कपल यू नो हु आर इन लव और हु आर टुगेदर वो एक मूवी कर रहे होते हैं तो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो खत्म ही हो जाती है बिकॉज दे बिकम दे आर सो कॉन्शियस कि हम कितना रियल लाइफ का दिखाएं और कितना छुपाएं. एंड फिर यू नो द हीरोइन इज थिंकिंग ओह अब मैंने बिकिनी पहनी या मैंने कोई स्टीमी सीन किया तो मेरे होने वाले इन लॉज देखेंगे. एंड जो हीरो होता है वो भी थोड़ा पोजेसिव हो जाता है एंड यूजली द हीरो इज काइंड ऑफ पावरफुल एंड ही कैन डिक्टेट टर्म्स टू द प्रोड्यूसर और डायरेक्टर. तो अब फिल्म के बीच में जाके वो कहें अब हीरोइन ये नहीं पहनेगी या हीरोइन ये नहीं कहेगी या हीरोइन ये नहीं करेगी तो प्रोड्यूसर मझधार में फंस जाता है. सो आई थिंक दैट्स अनदर रीजन दे फील की मुसीबत गले मोलो ही नहीं. सिमी, वंस अगेन हमारे व्यूअर्स ने ट्विटर पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है अबाउट वेदर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर हाइडिंग द रिलेशनशिप टू सेव देयर करियर. आर्यन लिखते हैं कि यस, दीपिका पादुकोण इवन रणबीर कपूर आर हाइडिंग देयर रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप्स बिकॉज दे आर एट द पीक ऑफ देयर करियर. सो आई थिंक दैट मेक्स सेंस, डजंट इट मेगा? एब्सोल्युटली. हमारे जो दूसरे व्यूअर हैं वो भी शायद हमारे साथ सहमत हैं कि एक जो मिस्ट्री होती है, जो एक क्यूरोसिटी होती है, व्हेन यू डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, काइंड ऑफ वर्क्स बेटर. सो ही सेज अ सेमी रैप्ड रिलेशनशिप इज बेटर देन एन ओपन वन फॉर देयर करियर्स. एक और व्यूअर हमारे लिख रहे हैं कि येस, ही अग्रीज 100% कि जो हमारे स्टार्स हैं वो कुछ भी कर सकते हैं टू सेव देयर करियर्स. क्यों बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइंस नहीं चाहती हैं डैशिंग और फेमस बॉलीवुड के हीरोज को? जब सामने आ जाए कोई क्रिकेटर तो हमारी बी टाउन गर्ल्स हो जाती है क्लीन बोल्ड.
बॉलीवुड और अनुष्का शर्मा के फैंस हो गए सरप्राइज्ड जब उन्हें पता चला कि विराट कोहली ने ना सिर्फ अनुष्का की बर्थडे पार्टी अटेंड की है बल्कि वो कुछ दिनों तक उनके घर में ही रह रहे थे। अभी तक तो अनुष्का और विराट ने रिलेशनशिप में होने की बात को नहीं किया है एडमिट, लेकिन जिस तरह से एक दूसरे के साथ स्पॉट किए जा रहे हैं लगता है प्यार के मैदान में ये हो गए हैं फिट। बॉलीवुड हीरोइंस और क्रिकेटर्स के बीच का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांगली वर्क करता है। अक्सर क्रिकेटर्स हीरोइंस की ब्यूटी से क्लीन बोल्ड होते देखे गए हैं। युवराज सिंह डेटेड किम शर्मा फॉर फ्यू इयर्स, दोनों साथ में पब्लिक अपीयरेंसेस भी देते थे, लेकिन ये लव बर्ड्स अपने प्यार की पारी लाइफ लॉन्ग नहीं खेल पाए। अपेरेंटली दे पार्टेड वेज बिकॉज युवराज's मॉम डिड नॉट अप्रूव ऑफ किम। अपेरेंटली युवराज वॉज स्मिटन बाय दीपिका पादुकोण टू एंड दे वर स्पॉटेड टुगेदर एट पार्टीज, लेकिन बात पार्टीज तक ही रही। हरभजन सिंह और गीता बसरा की तो शादी तक के रूमर्स भी आते रहे हैं। जहीर खान और ईशा शिरवानी भी काफी लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप रहे। भले ही प्यार की आग नहीं लगी थी लेकिन खबर थी कि एमएस धोनी कभी दीपिका पर हो गए थे फिदा, लेकिन धोनी की क्रश तब रणबीर कपूर को डेट कर रही थी। वैसे बॉलीवुड ब्यूटी मीट्स क्रिकेटर्स की लिस्ट में कुछ और नाम भी शामिल हैं। समीरा रेड्डी एंड ईशांत शर्मा, रिया सेन एंड श्रीशांत, सुष्मिता सेन एंड वसीम अकरम, संगीता बिजलानी एंड अजहरुद्दीन। अगर रूमर्स की माने तो सौरभ गांगुली एक्ट्रेस नगमा के चक्कर में कुछ ऐसे पड़े कि उनकी शादी तक खतरे में आ गई थी। हीरोइंस और क्रिकेटर्स की इस लिस्ट को देखकर लगता है कि जब जब खेल और ग्लैमर का सामना हुआ तब हीरोइन ने क्रिकेटर के दिल का विकेट गिरा दिया। बॉलीवुड के हीरोइंस को क्रिकेटर्स इतना फैसिनेट क्यों करते हैं? आई थिंक एक उन्हें सिक्योरिटी मिलती है। सबसे पहले तो जो बॉलीवुड का हीरो होगा, हीरोइन अपना करियर छोड़ के फिल्म से रिटायर होके शादी करके घर बैठ जाएगी, लेकिन हीरोइन के दिमाग में हमेशा ये डर होगा कि माय हस्बैंड हु इज स्टिल अ हीरो इज रोमांसिंग अदर गर्ल्स ऑन स्क्रीन एंड ही इज शूटिंग विद हर एंड कहीं कुछ और ना हो जाए। देयर आर चांसेस ऑफ हिम बीइंग मोर अनफेथफुल देन द क्रिकेटर। That does not mean that cricketers are going to make faithful husbands. Yeah. They can play the field literally too. But yahan par it's just easier किसी के लिए sway हो जाना अपने emotions के साथ, अपने passion के साथ. Do you think there's any other reason besides this? अगर आप पहले देखती हैं तो हमारे जो heroes होते थे वो काफी handsome होते थे, लेकिन तोंद वाले भी होते थे and they were not very fit. तो आजकल के heroes fit तो हो ही चुके हैं, लेकिन आपको मुझे और खास करके जो heroines उनकी girlfriend रह चुकी हैं उन्हें पता है कि जो हमारे फिल्म हीरोज हैं वो ऐसे फिट बॉडीज और ऐसी हंकी बॉडीज किस तरह अचीव करते हैं। तो ऊपर से तो दे आर ऑल बफ्ड अप बट अंदर से काफी खोखले होते हैं बिकॉज इट्स थ्रू स्टेरॉइड्स एंड इट्स थ्रू सप्लीमेंट्स। और जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके लिए तो फिट होना बहुत जरूरी होता है और वो नेचुरली फिट होते हैं, तो यहाँ पर एक खोखलेपन की बात तो उठती नहीं है। क्रिकेटर्स की जो वाइफ्स हैं, आप कहीं पर भी एनीवेयर इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन की वाइफ्स को देखते हो तो उन्हें वैग्स कहा जाता है, विच मीन्स वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स, एंड दे बिकम लाइक द आई कैंडी देयर वेयर एवरी टाइम दे आर इन अ स्टेडियम वॉचिंग अ गेम कैमराज उन पर फोकस होते हैं। तो एक प्रेस्टीज आता है। सो आर फिल्म हीरोइंस हु एंड अप विद क्रिकेटर्स, दे एंड अप विद अ रिच मैन, अ फेमस मैन, समबडी हु इज वेरी डिसिप्लिन एंड हु इज गोना कीप देम फेमस इन द स्टेडियम्स। ऐसा क्या है हीरोइंस में कि क्रिकेटर्स अपनी शादी तक दांव पर लगा देते हैं? एक ग्लैमर क्वेश्चन जो अटैच्ड है दैट कम्स विद बॉलीवुड। आई थिंक क्रिकेटर्स यूजुअली कम फ्रॉम स्मॉल टाउन, स्मॉल सिटीज, तो उन्होंने शौहरत देख ली होती है, पैसा देख लिया होता है एंड दे हैव द बिट ऑफ फेम। बट डू नॉट फॉरगेट कि जो बॉलीवुड का एक ग्लैमर है, स्टाइल है, दैट्स एसोसिएटेड विद द बॉलीवुड एक्ट्रेस इज रेयर टू फाइंड आउटसाइड। एंड क्रिकेटर्स एक तो प्यार में डूबे होते हैं, बट येस देर ऑल्सो ग्लैमर स्ट्रक अबाउट बॉलीवुड गर्ल्स। इसलिए शायद इफ यू रियलाइज इवन द स्टारलेस जो इतनी बड़ी हीरोइंस नहीं होती हैं, दे लक आउट विद क्रिकेटर्स बिकॉज थोड़े से ऑस्ट्रक और ग्लैमर स्ट्रक वो होते हैं। बॉलीवुड गर्ल्स एंड क्रिकेटर्स का लीथल अट्रैक्शन था सुपर इंटरेस्टिंग, राइट? वेल दैट्स द सुपर ग्लैम पेज 3 फॉर यू। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। टाउन के स्टार्स अपने यंग फैंस के लिए करते हैं सेट नए ट्रेंड्स एंड नाउ इट्स टाइम टू लेट यू नो व्हाट्स द ऑड शॉट। इंटरेस्टिंगली लगता है सारा का सारा बॉलीवुड हो गया है ऑब्सेस्ड एक ही हेयर स्टाइल से, लॉन्ग हेयर विद लूज कर्ल्स। चेक दिस आउट। दीप
बिपाशा बसु या फिर प्रियंका चोपड़ा और द वेरी स्टाइल कॉन्शियस दीपिका पादुकोण, इवन करीना कपूर और स्ट्रेट बाल पसंद करने वाली सोनाक्षी सिन्हा से कंगना रनौत तक, सभी स्पॉट कर रही हैं सिमिलर लुक। एवरीवन सीम्स ऑब्सेस्ड विद लॉन्ग हैप्पी कर्ल्स। सिमी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट आवर ऑड शॉट ऑफ द वीक? वेल, आई वुड लाइक टू से कि जैसे आपके बाल आज लग रहे हैं, वैसे ही पूरा बॉलीवुड अपने बाल बना रहा है। ऑल द ग्लैम गर्ल्स आर इंडल्जिंग इन दिस लूज कर्ल्स दैट कम फ्रॉम टोंग्स। इट्स अ वेरी सिंपल वे टू डू इट। और आजकल तो खुले स्ट्रेट बाल इतने बोरिंग हो चुके हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं, डब्बू रत्नानी की पार्टी थी जहाँ पर उन्होंने अपना कैलेंडर लॉन्च किया था। You can see so many girls from Bollywood, almost all the top actresses who are sporting the same hair, yani ki baal lambe and loose curls jo hum tongs ke sath achieve karte hain, whether it's Priyanka Chopra, whether it's Bipasha, whether it's Sonakshi. And agar ek hi party mein itni sari ladkiyan similar hairstyle leke aa rahi hain, that means it must be really popular. But otherwise, if you look at Kareena Kapoor, if you look at Malaika Arora Khan, yahan tak ki Katrina Kaif jo अपने बाल यूजली सीधे रखती हैं, वो भी आजकल टोंग्स कर रही हैं। एंड देन यू हैव प्रियंका हु इज डूइंग दैट मोर देन वंस। करीना कपूर के भी बाल काफ़ी इवेंट्स में ऐसे दिख रहे हैं। दीपिका पादुकोण हु यूजली टाइज अप हर हेयर हैज़ आल्सो इंडल्ज्ड हर हेयर विद सम कर्ल्स। सो आई थिंक दिस इज रियली द इन थिंग एंड आई वुड लाइक टू टेक यू बैक टू डब्बूज पार्टी। अगर हमारे हीरोज को भी आप देख रहे हैं डब्बू की पार्टी में, सो वेदर शाहरुख खान और बीट एनी अदर बॉलीवुड स्टार, दे ऑल हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द क्लीन शेवन लुक। तो किसी की मुस्टैश है, तो किसी की स्टबल है, देयर इज लॉन्ग हेयर एट द बैक एंड नाउ यू हैव द मेल बन दैट्स कमिंग इन। वो तो हम अपने व्यूअर्स को किसी और एपिसोड में दिखाएंगे ही, बट आई थिंक फॉर नाउ लेट देम एंजॉय दिस ब्यूटिफुल टोंग्स ऑन ऑल द गर्ल्स एंड ऑफ कोर्स आवर हैंडसम हंक्स हु आर रिफ्यूजिंग टू शेव देयर फेसेस ऑफ। तो सिमी, इस बार आप हमें कौन से पार्टीज पर लेके जा रही हैं? बॉलीवुड के स्टार्स और पॉलिटिशियंस जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, सो इट्स अ बिग पावर पंच। सो आई थिंक इट्स अ बिग पावर स्टेटमेंट दैट गोज आउट। तो कुछ ऐसी ही हमारी पहली पार्टी है जहां पर अविनाश अधिक होस्टेड अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर हिज डैड गोविंद राव अधिक, और वहां पर सलमान खान से लेकर बाकी के भी बहुत सारे स्टार्स थे। एंड दे डिड नॉट जस्ट कम टू यू नो कि ऐसे नहीं आए कि हाजिरी लगाई और फिर चले गए। दे काइंड ऑफ हंग अराउंड एंड ऑफ कोर्स दे वर टॉप नॉच पॉलिटिशियंस एंड अदर सेलिब्रिटीज अराउंड। तो हमारे व्यूअर्स को उस पार्टी में लेकर ही चलते हैं। वाओ, which is the next party you are taking us to? Kapil Mehra's birthday party, where of course you're going to see Ejaz Khan, jo Big Boss ke house se nikal kar popular to ho hi chuke hain, to aap yahan par bhi unko dekh sakte hain is party mein. Of course there are other TV celebrities, to der kis baat ki, hum apne viewers ko ye bhi party dikhai dete hain. Thank you, Simi, so much for being with us on Page 3 once again. It's always my pleasure. Huh. Keep watching Page 3 non-stop tonight and don't even think of going away during the break. इतना सच इतने ग्लैमरस तरीके से आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता। तभी तो कहते हैं कि कीप वॉचिंग पेज 3 ओनली ऑन जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।